नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं संजीव सिंह। आपके साथ के कुछ दिनों पूर्व जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मदरसे को लेकर के सवाल उठाया था कि बिहार में जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आज इसी पर जब पत्रकारों ने बिहार सरकार में मंत्री जमा खान से इस मसले को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, तो पहले आप जमा खान की पूरी बयानों को सुनिए। देखिए, उसी को लेकर हम लोगों ने 13 स्कूल जो नहीं बन पाया था, 13 जहाँ किराए पर हम चलाने का काम कर रहे हैं, इस पर भी बैठ कर बात होगी। अगर जमीन नहीं मिलेगा, सही में अगर विवाद होगा, जमीन नहीं मिल पाएगी, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। उसके लिए हम लोग, हमारे चेयरमैन साहब, दोनों चेयरमैन साहब लगे हुए हैं, हम काम भी उस पर कर रहे हैं। कई जगह मैं खुद गया था, हमारे चेयरमैन साहब जो बैठे हैं राइट साइड में, उनको लेकर गए थे, मैं गया भी था। जो अतिक्रमण का मामला है, कई जगह जिलाधिकारी से बात किया हूँ, थाने बात किया हूँ, तो निश्चित तौर पर ये आपका कहना मानता हूँ, कहीं ऐसी मामला है जिसको हम लोग लगे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग कामयाबी मिले और वहाँ पे हम लोग काम को आगे बढ़ाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार कहते हैं मदरसों की जांच होनी चाहिए, लगता है कि गलत शिक्षा दी जा रही है कई तरह की। देखिए, उनकी ये नई बात नहीं है, उनको उन लोगों को या उनके उन लोगों को कोई काम तो करना नहीं है, कोई काम की मतलब नहीं। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ये नई बात नहीं बोल रहा है, बराबर बोलता रहता है। मैं तो बराबर कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ऐसी बात जांच करा लो ना। आप मदरसा के बारे में आप जानो, मदरसा के कितने उलेमाओं ने इस देश के कुर्बानियां दी हैं वो जाने, लेकिन वो जो बात बोलते हैं मुंह से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, उसी में राजनीति खड़ा होता है। कोई काम से लेना देना नहीं है। जिस आप व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो आज नई बात नहीं है, कई सालों से मैं सुनता हूँ, यही बात बोल बोल के आते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मुझे चैलेंज करता हूँ, अगर है ताकत तो मंच पर चढ़ने में काम किया बात करो ना, काम गिना लो, आपने कितना काम किया है। ये सब क्या बात करते हो भाई, उमा फलाने क्यों बात करते हो, मदरसा मठ क्या मतलब आपसे भाई। ये जो मठ हो या मदरसा हो, अगर सही माने मदरसा सही होगा, उसमें बच्चे निकलते हैं तो देश दुनिया के मरने का काम करते हैं, जो इनका इतिहास रहा है। और गिरिराज जी हो या ऐसे तमाम लोग हैं जो इसी पर उनका राजनीति करता है, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। आपका बजट एकदम खत्म होने वाला है, कितना खर्च किया यार, तो मैं लिख कर दे दूंगा। दूसरा एक सवाल है कि सीएनजी ने आप 2017 से 2022 तक आप लोगों ने सिर्फ 47% खर्च किया है, 3676 करोड़ रुपए में 1067 करोड़ रुपए से खर्च किया है, ये कौन सी नीतीश कुमार के मुसलमानों की बसी आई है, 47% आप इतना। कुछ मामला ऐसा होता है जो टेक्निकल मामला है, उसमें नहीं तो उसमें बात जो टेक्निकल मामला होता है उसमें आप आई मैं लिख दिया हूँ, उसमें वो पैसे मार्च से पहले खर्चे हो जाएंगे, कुछ पैसे रह जाते हैं, मानते हैं चीज को, अगर हम लोग खर्च कर लेंगे उसको। अभी कितना परसेंट हुआ है जी, कितना परसेंट हुआ है 125 करोड़ में से? लगभग 40% खर्च हुआ है, ज्यादा खर्च हुआ है, 40% ज्यादा खर्च हुआ है, 60% खर्च हो जाएगा जी। हाँ, काम बताएंगे खर्च होगा। मंत्री जी, अब आपके विद्यालय में पढ़ाने का काम कब से कब तक शुरू कर दिया जाएगा? जो नहीं, दो साल नहीं, अभी का निर्माण हो रहा है, ये अभी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हेलो सुनिए, बोलिए क्या बोले फिर से एक बार, पढ़ाने का काम कब तक शुरू किया जाएगा? 2024 से, अभी कैबिनेट में देखा होगा पास हुआ है, समझ रहे हैं, उसके लिए टीचर के लिए, प्यून के लिए, प्रिंसिपल के सब पास हो चुका है, 2024 तक हम शुरुआत कर देंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर जवा खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि गिरिराज सिंह ये बात कह रहे हैं कि मदरसे की जांच होनी चाहिए, तो एक बार वो केंद्र सरकार से ही ये बात प्रस्ताव रखे और मदरसे की जांच हो। और साथ ही साथ उन्होंने गिरिराज सिंह पे आग बबूला होते हुए उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह हमेशा से इस तरह के जो बयानबाजी करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो इस तरह की बयानबाजी करते रहे, इसलिए उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से नहीं लेनी है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल अब देखने बड़ी बात होती है कि क्या मदरसे की जांच केंद्र सरकार करते हैं या नहीं। इस खबर में इतना ही, आगे खबर देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप हमारे इस वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो करें। पटना।